So students, there we are again with a very interesting topic. Chapter number 3, gases, 3.2.6, derivation of absolute zero. Abhi absolute zero kya hai? Logics ke saath science-daan jo hai, hamesha kaam karte hain. Aur logics hi hame kuch cheezon ko explain karne mein help karte hain. To yahan pe bhi ek logic ka istemal kiya ja raha hai. लॉजिक एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको चार्ल्स लॉ के बारे में बताता हूँ. चार्ल्स ने कहा था कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, बिकॉज देर इज नो नीड टू चेंज इन प्रेशर, जस्ट नीड टू इंटरप्रेट विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ओवर हियर. सो द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. वॉल्यूम जो है किसी गैस का इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है बाय 1/273. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? बाय 1/273 of its original volume at 0 degree for every 1 degree rise or fall in temperature respectively. Yani agar 1 degree temperature zyada hoga ya 1 degree temperature kam hoga to jo volume mein increase or decrease aayega wo 1/273 ke lihaz se aayega. Ab ye main kya baat kar raha hu aapse, just need to understand this. Iske liye aapko ye dekhna padega. Yahan par maine temperature ka ek column banaya hai aur yahan par maine वॉल्यूम का एक कॉलम बनाया है. अब देखें, लेट्स से दैट यू हैव एनी गैस, लेट्स से दैट गैस, सो द गैस इज एट जीरो डिग्री इज समथिंग लाइक 546 सेंटीमीटर क्यूब. वो जीरो डिग्री पे उसका क्या वॉल्यूम है? 546 सेंटीमीटर क्यूब. आप खुद सोचें, अब आपने अगर जीरो डिग्री पे, अगर 273 डिग्री पे करेंगे तो वो डबल हो जाएगा वॉल्यूम. इसको डबल करें आप तो 1092 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा. अब कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट्स, अगर जीरो से अगर 273 मूव किए हैं, अगर वॉल्यूम डबल हो गया है, तो फिर स्टूडेंट्स जीरो से अगर -273 पे जाएंगे तो वॉल्यूम जीरो हो जाना चाहिए. तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन जीरो सेंटीमीटर क्यूब ओवर हियर. आई रियली विश आपने इस बात को फॉलो किया होगा. अच्छा, अब इसमें हम जो है एक इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं. इसमें हम एक इक्वेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे. सो जनरल इक्वेशन टू नो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, वो क्या है? देखें, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट्स 1/1T/273. ये क्या है? वी टी इज बेसिकली द वॉल्यूम, मतलब इस फॉर्मूले से आप किसी भी गैस का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे. यानी किसी भी गैस का वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर पे इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है. कैसे? अब ये टेम्परेचर है, जो भी आप टेम्परेचर लेना चाह रहे हैं वो वैल्यू अब यहाँ प्लेस करेंगे. लेट्स से दैट कि किसी गैस का वॉल्यूम मालूम करना चाह रहे हैं 75 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये टेम्परेचर और सेल्सियस के लिए 75 डिग्री आप यहाँ पे प्लेस करेंगे. और ये वी नॉट क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट जीरो डिग्री. और आपको बस ये पता होना चाहिए कि उसका जीरो डिग्री पे क्या वॉल्यूम होता है. जिस गैस का आप निकालना चाह रहे हैं वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर पे, उसके लिए एक कांस्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जीरो डिग्री पे इसका क्या वॉल्यूम. अगर आपको जीरो डिग्री पे इसका वॉल्यूम पता लग जाता है तो आप किसी भी टेम्परेचर पर उस गैस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं. क्वेश्चन ओवर हियर इज डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो. अब देखें, आपकी बुक में स्टूडेंट्स उन्होंने एक टेबल दिया है. जस्ट रियली वॉन्ट टू शो यू द बुक, राइट? सो लेट मी शो यू द बुक. आई डोंट वॉन्ट टू ड्रॉ दिस टेबल, आई वॉन्ट टू शो इट फ्रॉम द बुक टू यू, राइट? ओके, आई रियली विश दैट्स इनफ. अब देखें इस टेबल के अंदर, टेबल नंबर 3.1, उसमें वो बता रहा है कि आपके पास 273 टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम जो है अभी जो मैंने आपको बताया था 1092 है, राइट? और उसके बाद यू कैन से दैट टेम्परेचर आपका 5.46 यानी 273 डिग्री को केल्विन में आपने शो किया हुआ. अब ये केल्विन में एक टेम्परेचर को आप शो कर रहे हैं, ये केल्विन में टेम्परेचर को शो करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? इसका जवाब भी मैं अभी थोड़ी सी देर के बाद दूंगा. बहरहाल, आपके पास जो वी ओवर टी का रेशो आया है वो 2 आया है. और देखें, जब आपने टेम्परेचर ये कर दिया केल्विन में, ये हो गया, तो उसका फिर रेशो 2 आ रहा है. और ये रेशोज जो हैं वो दे आर ऑलवेज सेम. और ये देखें, एक वक्त आ रहा है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? मैंने आपको इधर भी बताया था -273 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? वॉल्यूम जीरो. इधर भी नोटिस करें आप, यहाँ पर उस गैस का वॉल्यूम, यानी कि मैंने आपको सिर्फ 3 डायरेक्शन में इसके 3 टेम्परेचर्स में इनके वॉल्यूम्स बताए हैं. इस टेबल के अंदर आपको मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे उस गैस के वॉल्यूम्स के बारे में अंदाज़ा हो रहा है. ये टेबल बस इस लिहाज से क्या है, हेल्पफुल है, राइट? सो आई जस्ट नीड टू कंटिन्यू विद मी. अब इसमें नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 47, ये क्या बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा. देखें, अब चार्ल्स लॉ है. चार्ल्स लॉ क्या है जी? V1/T1 = V2/T2, राइट? सो दैट चार्ल्स लॉ. अब चार्ल्स लॉ को फॉलो करते हैं. So V1/T1 = V2/T2, right?
अब लेट्स से दैट इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 566 है, लेट्स से दैट 566 है, और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो क्या है 10 डिग्री सेल्सियस है. और अगर लेट्स से दैट आपका जो वॉल्यूम है वो 746 हो गया है, तो अकॉर्डिंग टू रूल इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ठीक है ना. हर एक सेल्सियस इंक्रीज होने पर 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ये रूल है याद रखिएगा. एक डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से 2 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. यहाँ से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है. सो ये बात याद रखनी है, क्या बताइए कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से कितना वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है. तो इस लिहाज से देखें तो 10 डिग्री सेल्सियस हमारे पास जो है ये टेम्परेचर है, और 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हम टेम्परेचर है. अब अगर 10 डिग्री के लिहाज से 566 वॉल्यूम है, तो अकॉर्डिंग टू दैट 100 डिग्री पे तो हमारे पास वॉल्यूम वो नहीं आ रहा जो आना चाहिए 2 डिग्री के लिहाज से. लिहाजा हम कह सकते हैं कि चार्ल्स लॉ तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा, चार्ल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, राइट. सो एप्रिसिएबल नहीं है, अप्रिशिएट नहीं कर सकते इस लॉ को हम यहाँ पे. सो द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट इक्वल, चार्ल्स लॉ इज नॉट बीइंग ओबेड विद द टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन द सेल्सियस स्केल. अब टेम्परेचर आप सेल्सियस स्केल पे करेंगे तो आप ये यानी यू नीड टू टर्न द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. सो व्हाट आई वांट टू से यू अगेन दैट फॉर दिस अ न्यू टेम्परेचर स्केल हैज बीन डेवलप्ड. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. ये 273 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट होता है मोर प्रिसाइजली और जाता है -273.16 डिग्री तक, यानी इस टेम्परेचर स्केल को आप इतना लो लेके जा सकते हैं. और जब आपका टेम्परेचर होगा ना माइनस, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, जब आपका टेम्परेचर होगा -273.16 डिग्री सेल्सियस, स्टूडेंट्स इसको कहते हैं 0 केल्विन. ये बात याद रखिएगा, दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप लो कर सकते हैं. यानी 0 केल्विन इज द स्केल जहाँ से दैट इज द टेम्परेचर जहाँ से केल्विन स्केल स्टार्ट होता है, ठीक है. सो दैट्स नॉन एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट मीन एक मैक्सिमम वैल्यू जो आप अटेन कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो लेट अस नाउ एक्सप्लेन हाउ द न्यू टेम्परेचर स्केल हैज बीन डेवलप्ड. द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस थिंग इज बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ, और ये जो ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है इस स्केल की मदद से स्टूडेंट्स मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, ठीक है. तो आज का क्वेश्चन ये बना लेते हैं, टेल मी कि चॉल जो है जिसने नो डाउट एक एक्सीलेंट वेरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दी है रिलेटेड गैसेस, ये कब पैदा हुआ और कब इसका इंतकाल हुआ, ये आपने हमें बताना है, ठीक है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो विश यू फाइंडिंग समथिंग गुड आउट दिस टॉपिक. थैंक यू सो मच, दैट्स इट.